Subscribe to my YouTube channel RP Information and click the bell icon to get first notification. तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुद्र, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन। तो आज का वीडियो टॉपिक बहुत एक इन्फॉर्मेटिव होने वाला, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पबजी मोबाइल के एक ग्लिच के बारे में। तो ये बेसिकली पबजी मोबाइल का ग्लिच नहीं है, ये प्ले स्टोर का ग्लिच है कि जब भी कोई पबजी मोबाइल का न्यू अपडेट आता है, 400 MB, 500 MB या 600 MB का अपडेट, तो क्या होता है कि प्ले स्टोर में जब तुम उसको अपडेट करते हो तो तुम्हारा डाटा और भी ज्यादा लगता है, मतलब 1 GB, 1.5 GB तक लग जाता है एंड वो अपडेट भी नहीं होता। तो ये जो ग्लिच है, इसको कैसे तुम्हें सॉल्व करना है, मैं इस वीडियो में बताऊंगा एंड ये ग्लिच क्यों होता है, मैं सारे डिटेल इस वीडियो में देने वाला। वीडियो को बिना स्किप किए पॉइंट देखते रहो। बहुत आज की डेट में ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटो यही है, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस के कमेंट्स से कमेंट देखने को मिला था एंड पबजी मोबाइल का न्यू अपडेट आने वाला है जो कि सीजन 7 का अपडेट, तो उसके अंदर तुम्हें ये प्रॉब्लम फेस ना हो, तो इसके कारण ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पॉइंट देखते रहो एंड वीडियो अगर अच्छा लगा फटाफट से कर दो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना बोला, जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स पबजी मोबाइल खेलते हैं सबके अंदर वीडियो को शेयर कर दो एंड तुम जो पबजी मोबाइल नहीं भी खेलते हैं उसके अंदर वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबको एक बार ना एक बार दिखाई दे सकता है। तो इसलिए शेयर करो वीडियो को एंड अगर तुम मेरे चैनल में नए आए तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कर दो, उसके साथ मुझे बेल लगाना था उसको भी क्लिक कर दो, क्योंकि हम इन्फॉर्मेटिव इस पर डेली वीडियोस अपलोड करते हैं। तो चलिए ज्यादा ना करके आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे मैं कहा, आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्ले स्टोर का जो ग्लिच होता है जब भी तुम पबजी मोबाइल का न्यू अपडेट करते हो एंड क्या होता है कि जो अपडेट है उसका साइज बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब 400 MB का अपडेट चला जाता है 1.5 GB तक एंड तब भी तुम्हारा अपडेट नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है एंड इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इस वीडियो में फुल डिटेल्स दूंगा। तो इसका प्रॉब्लम इसके कारण ही होता है कि जब भी पबजी मोबाइल का न्यू अपडेट आता है तो बहुत सारे लोग एक साथ उस अपडेट को करने में चले जाते हैं एंड तुम भी जाते हो उस अपडेट को करने में। तो क्या होता है कि उस एक साथ इतना ज़्यादा क्राउड को, जो सर्वर है वो इतना ज़्यादा क्राउड को एक साथ हैंडल नहीं कर सकता, इसके कारण ही तुम्हें ये ग्लिच देखने को मिलता है एंड बहुत सारे लोग ये ग्लिच देखने को मिलता है एंड बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो उसका डिवाइस है, जो उसका फ़ोन है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम दिखाई देता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, इसका मेन रीज़न यही है कि जब भी तुम अपडेट करते हो तुम्हारे साथ और भी बहुत सारे लोग अपडेट करते हैं एंड तभी तुम्हें ये ग्लिच देखने को मिलता है। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं कि मेरे साथ क्या होता है कि जब भी कोई पबजी मोबाइल का न्यू अपडेट आता है वो आता है मेरे पास शाम के टाइम, मतलब 6-7 बजे के करीब अपडेट आ जाता है एंड मेरा तब इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो रहता है एंड मेरे पास उतना डाटा भी नहीं रहता, क्योंकि मैं सुबह से यूज़ करते रहता हूँ एंड मेरे पास 1.5 GB का लिमिट होता है जियो का, तो इसके कारण ही मैं तभी अपडेट नहीं करता। फिर मैं रात को अपडेट करता हूँ, मतलब रात के 2 बजे या 1.5 बजे के करीब मेरा बहुत ज़्यादा स्पीड देता है, 2 MB तक दे देता है, तो तब मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। तो इसके वजह से मुझे अभी तक ये इशू मेरे को फेस करना नहीं पड़ा है एंड मेरे बहुत इजीली हो जाता है, मेरे 400 MB का अगर अपडेट रहता है तो 400 MB में ये हो जाता है। तो तुम्हें भी ऐसे ही करना है कि जब भी तुम्हारा अपडेट आता है, मतलब अगर तुम्हारे पास सुबह में अपडेट आ गया, मतलब 11 से 12 बजे के करीब अपडेट आ गया, तो तुम्हें वो अपडेट तभी नहीं करना है, मतलब फटाफट से नहीं अपडेट कर देना है अगर तुम्हारा ये इशू है, मतलब तुम्हें अगर ज़्यादा MB देना पड़ता है तो तुमको तभी अपडेट नहीं करना है, तुम्हें शाम के टाइम में अपडेट करना है एंड तुम नेक्स्ट डे भी अपडेट कर सकते हो अगर तुम्हें शाम के टाइम में अपडेट आता है, तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि तुम्हें ये इशू भी देखने को नहीं मिलेगा एंड तुम्हारा अपडेट भी बहुत इजीली हो जाएगा। तो ये था इसका पहला सॉल्यूशन एंड अभी चलते हैं इसका सेकंड सॉल्यूशन के अंदर। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कि सेकंड सॉल्यूशन क्या है। तो तुम्हें जाना है तुम्हारे जो फ़ोन का जो सेटिंग है उसके अंदर जाना है एंड तुम्हें जाना है इंस्टॉल ऐप में। तो ये है मेरा फ़ोन का सेटिंग एंड जाना है इंस्टॉल ऐप में। तो इंस्टॉल ऐप में जाने के बाद तुम्हें ढूंढना है प्ले स्टोर को, मतलब प्ले स्टोर कहाँ पर है उसको ढूंढ लेना है। तो देख पाएंगे प्ले स्टोर में ढूंढ लेता हूँ पहले, तो ये रहा प्ले स्टोर, देख पा रहे हैं ये है प्ले स्टोर। तो तुम्हें जाना है यहाँ पर क्लियर डाटा के ऑप्शन में नहीं जाना है, तुम्हें जाना है स्टोरेज के अंदर। तो स्टोरेज के अंदर जाने के बाद तुम्हें जाना है क्लियर डाटा के अंदर एंड जो क्लियर कैश है इसका कैश डाटा को डिलीट कर देना है। तो बहुत बार टाइम कैश के कारण भी तुम्हें प्रॉब्लम दिखाई देता है, तो मैं हमेशा करते रहता हूँ कैश डाटा क्लियर। तो अगर तुम नहीं करते तुम्हें इसको कर लेना है, फिर तुम अपडेट कर सकते हो। तो इसको अगर तुम करते हो तुम्हारे पबजी मोबाइल के अंदर भी बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलता है, लैग इशू भी बहुत ज़्यादा सॉल्व होता है। तो कैश डाटा तुम्हें कैसे करना है, तुम्हें जाना है स्टोरेज के अंदर एंड स्टोरेज के अंदर जाकर तुम्हें करना है। देख पाएगा ये है स्टोरेज एंड यहाँ पर देख पाएगा मेरा कैश डाटा कितना ज़्यादा कम है, क्योंकि मैं हमेशा करते रहता हूँ, देख पा रहे हैं अभी 1 GB तक है, क्योंकि कल मेरे पास 2 GB तक था एंड मैं हमेशा कैश डाटा करते रहता हूँ। तो तुम्हें भी ऐसे कर देना है, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव काम करता है।
तो इसके ऊपर भी तुम्हें ध्यान रखना है, एंड इसके वजह से भी बहुत बार टाइम ये प्रॉब्लम दिखाई देता है। तो ये था दो सॉल्यूशन जो मैं तुम्हें बताया, इसको यूज़ करो तो दिखने को मिलेगा कि तुम्हारा जो अपडेट का जो प्रॉब्लम है ये तुम्हारा बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। एंड पहला जो इशू था, जैसे मैं कहा तुम्हें, जो जब भी तुम्हारा अपडेट आता है तो उसी टाइम मत करो, कुछ देर बाद करो। एंड और एक जो सेकंड टिप्स में बताया कि जो जो तुम्हारा प्ले स्टोर है उसका कैश डाटा को क्लियर करो, मतलब जो कैश डाटा है उसको क्लियर कर दो। तो यही था आज का वीडियो, कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा फटाफट से कर दो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना, बोला जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स पबजी मोबाइल खेलते हैं सबके अंदर वीडियो को शेयर करो। एंड अगर तुम मेरे चैनल में नए आए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करो, उसके साथ में जो बेल आइकन आता है उसको भी क्लिक कर दो, क्योंकि हम इन्फॉर्मेटिव इसके ऊपर डेली वीडियोस अपलोड करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं कल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तो चलते हैं, हैव अ नाइस डे।